1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है। 4x + 1 / 4x - 1 4x - 1 जो एक्सप्रेशन ये है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे इनवर्स यहाँ पे गिवन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो इसको आप कह दें 1, ये एक्सप्रेशन हमारे पास 1 है, तो लेट कर लेते हैं इसको। 4x + 1 / 4x - 1 इज इक्वल टू वाई, अनदर वेरिएबल वाई के लिए हम लेट कर लें। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसको उल्टा के 1/y लिखना या रेसिप्रोकल करें, क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसका इनवर्स एक दूसरे के ये है। अगर ये वाई है तो ये 1/y होगा, और अगर ये वाई है तो ये 1/y होगा। आपने इनमें से किसी एक को लेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 भी कम क्या हो जाएगी हमारे पास, इस जगह वाई आ जाएगा प्लस इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह हमारे पास 1/y, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स हैं। इज इक्वल होल फ्रैक्शन में हमारे पास, तो सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 6 को मल्टीप्लाई 2 से, 6 × 2 = 12, 12 + 1 = 13, 13 / x। क्या करते हैं यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई 2 करते हैं और उसके आंसर में जो न्यूमिरेटर होता है उसको ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 12 + 1 = 13। या आप एक स्टेप में इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लेट वाई करके उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसी तरह आपने वाई एलसीएम ले लेना है। अगर सेकंड क्या या किसी एक एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर 1 हो तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमारे पास y की पावर 2 आ जाता है, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, आंसर +1 = 13/x, 13/6। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, अगेन फ्रैक्शन तो ख़त्म करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, y को 13 से मल्टीप्लाई और 6 को मल्टीप्लाई, तो क्या हमारे पास आ जाएगा 6 × y² + 1 = 13 × y। इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 6y² + 6 = 13y। अरेंज कर लें इनको तो ये बन जाएगा हमारे पास 6y² - 13y + 6 = 0। ये हमारे पास फॉर्मेशन आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हमने इसके रूट्स निकालने हैं, तो या तो रूट्स निकालने के 3 मेथड हैं या आप कंप्यूटिंग स्केल लगाएं। सबसे इजी मेथड हमारे पास क्या होता है, फैक्टर, इसके हम अगर फैक्टर बना लें, अगर फैक्टर नहीं बनते तो आप देन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। फैक्टर करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास आ जाता है 6 × 36 और दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव 36। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव कब होंगे इस साइन ने बताना है, अगर यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, ये बात याद रखिएगा। अब मल्टीप्लाई करने से 36 आ जाए और प्लस माइनस करने से 13 आ जाए, तो फैक्टर बना लें तो 9 × 4 = 36। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13, क्योंकि दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव और एडिशन नेगेटिव, क्या बन जाएगा 6y², ये हमारे पास बन जाएगा -9y - 4y।
प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से पेयर बना लें दो दो के, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा थ्री इंटू वाई, थ्री भी कॉमन आ रहा है वाई भी, थ्री टू ज़ा सिक्स इंटू वाई माइनस वाई कॉमन आ गया, थ्री थ्री ज़ा नाइन। यहाँ से जो साइन है वो भी कॉमन लेना है, और यहाँ से आ जाएगा टू कॉमन, वाई नहीं है क्योंकि वाई फोर में है सिक्स के साथ नहीं है, जस्ट टू कॉमन आएगा, तो टू टू ज़ा फोर वाई, टू थ्री ज़ा सिक्स। नेगेटिव कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो। अब एक फैक्टर ये है, यहाँ पे फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो टू वाई माइनस थ्री फैक्टर कॉमन आ रहा है दोनों तरफ, ये बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास थ्री वाई और ये माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है और थ्री वाई माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो टू वाई इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, टू इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, थ्री ओवर टू। यहाँ से वैल्यू निकालें तो y इज इक्वल टू टू, y इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाई थ्री, y का हमारे पास आंसर टू आ गया, थ्री ओवर टू और टू ओवर थ्री। यहाँ तक जो हमने फॉर्मेशन बनाई थी क्वाड्रेटिक की उसके रूट्स आ गए, अब बैक सब चीज़ों से हम करते हैं और एक्स फॉर्म में आंसर निकालते हैं। जिसको हमने कोई नंबर वन लेट किया था वहाँ पे वाई की वैल्यू रिप्लेस करें और आंसर निकालें। तो वाई क्या था, वाई था फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन, तो एक बार आ जाएगा फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। सेकंड अब यहाँ पे फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय थ्री, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसी तरह न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर, तो थ्री मल्टीप्लाई फोर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई फोर एक्स प्लस वन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एक्स माइनस थ्री वन ज़ा थ्री, फोर टू ज़ा एट एक्स प्लस टू वन ज़ा टू। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को इकट्ठा करें न्यूमरेटर का, हम जो कांस्टेंट टर्म है उनको इकट्ठा कर लें, एट एक्स इधर पॉजिटिव है तो इधर आके हो जाएगा नेगेटिव माइनस एट एक्स, टू माइनस थ्री है इधर आके प्लस थ्री, 12 माइनस एट फोर एक्स, थ्री प्लस टू फाइव, एक्स इज इक्वल टू फाइव डिवाइडेड बाय फोर। अब इसको सॉल्व कर लें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, मल्टीप्लाई कर लें, इसके भी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से, इसके न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर से, तो थ्री इंटू फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू फोर एक्स माइनस वन, थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व एक्स, थ्री वन ज़ा थ्री, टू फोर ज़ा एट एक्स माइनस टू वन ज़ा टू, ट्वेल्व एक्स एट इधर आगे माइनस एट एक्स, प्लस थ्री उधर आगे माइनस, तो माइनस टू माइनस थ्री, सब्ट्रैक्ट करें तो फोर एक्स, दोनों नेगेटिव साइन है तो ऐड होंगे तो माइनस फाइव, x इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाय फोर, फोर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, एक x का आंसर हमारे पास ये आ गया और एक x का आंसर हमारे पास ये आ गया। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा,
दो प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस 5/4। फिर आप इसको 5/4 कॉमा माइनस 5/4 भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास फाइनल आंसर।